साढ़े कोले तूड़ी ते पशुआं चों रूड़ी दो चीज़ां बचदियां हुंदियां। कणक तां पहली आड़तियां दी देनी हुंदी है जां बैंकां दी। अज ना तूड़ी बचदी है ना पशुआं दी रूड़ी बची। आ पिछले साल जिहड़ी बीमारी पई आ उहने खा ले। हां लमस ना उदों दित्ता सरकारां ने कुछ ना हुंदा। गुरमेल सिंह जी जिहड़ी पिछले 3-4 दिनों तो बारिश हो रही है कितना क नुकसान करता है? साडा तां असीं तां मनदे 100% नुकसान हो गया जी, क्योंकि कणकां ते उत्तों बारिश पै गई, हनेरी आ गई, थल्ले पानी खड़िया, कणकां गली जांदियां, जिहड़े दाणे आ विच कोई वो भी मुश्क मार लग गया। कणकां साडियां 100% गल गई। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗੂਣਾ ਜਮੇ ਨਗੂਣਾ ਜਿਹਨੂੰ 15000 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 70000 65000 ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ। 15 ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। हजे तक कोई गिरदौरियां करने साढ़े बाणा च आया नहीं। जो कोई गिरदौरी करू पता लगू 4 दिनों कणकां वड्डियां जाणगीआं। वेले बाणा च सानू कौन की देऊगा जी? ते भगवंत मान जो जुमलियां दी सरकार कहंदे वाकई सच कहाउंदा, दूजिआं नूं चंगा कहाउण ते लग्गिआ होइआ। फसलां नुकसान 100% है जी। वाईगुरू जी सोचदे बई इदू बड़ा नुकसान होर नहीं होना, क्योंकि सारी कणक डेक के थल्लों बल्लियां कालियां हो गईआं, थल्लों जमीन च नवीं है वो भी सारा नुकसान होई जांदा। जिहड़े हुण डिपेंडी खेती दे ने वो मैनूं तां नहीं लगदा कोई होर उन्हां कोल चारा होऊगा। कणक दी फसल है आ देखी जावे जमा ही धरती दे नाल विछी है ते थल्ले हाले तक भी जिहड़ी पूरा पानी दी सिल है जिहड़ी खड़ी हुई है। साडे हत्थों तां गई हुई है ये कणक। असीं तां कहने आ वी साडे कोल बचे ही कख। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। इस बेमौसमी बारिश के नाल जिथे किसानों की जिहड़ी कणक की फसल है वो तबाह हो गई है तो उत्थे उन्हां दियां जिहड़ियां सब्जियां बीजियां हुईयां सी जिहड़ी कि खेती विभिन्नता ते सरकार ते होर जोर दिंदे है उहनूं भी काफ़ी सारा नुकसान होया। असीं इस टाइम बठिंडा के पिंड रामगढ़ भूंदड़ के खेतों के खड़े हुए हैं जिथे साडे नाल काफ़ी सारे किसान आ जिहड़े वो मौजूद है जिन्हां दीयां फसलां इस बेमौसमी बारिश ते गड़ेमारी के कारण लगभग तबाह हो चुकियां है। की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम गुरमेल सिंह जी, मेरा पिंड रामगढ़ भूंदड़ जिला बठिंडा तो जी। अच्छा गुरमेल सिंह जी जिहड़ी पिछले 3-4 दिनों तो ये बारिश हो रही है कितना क नुकसान करता? साडा तां असीं तां मनदे 100% नुकसान हो गया जी, क्योंकि कणकां ते उत्तों बारिश पै गई, हनेरी आ गई, थल्ले पानी खड़िया, कणकां गली जांदियां, जिहड़े दाणे आ विच कोई वो भी मुश्क मार लग गया। कणकां साडीआं 100% गल गईआं। तो जिहड़ी एक सरकार ने गिरदावरी के विदेश जिहड़े आदेश दिते है कोई हुण तक पटवारी साहब जां माल विभाग का कोई अफसर कोई नुमाइंदा पहुंचे? नहीं जी, एक गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़ रहे है। पहलां तां एक इन्हां ने नगूणा जमे नगूणा जिन्हों 15000 कहिंदे आ, हालांकि 70000 65000 असीं ठेके ते लैने आ। जे एक फसल मरदी साडा 35 तां सिद्धा गया उत्ते 20-25 खर्चा हो गया जिहदा 60 बनदा ते 15000 कह रहे है। 15 भी ऐलान करता, अगे नरमे का भी करिया सी, देना कख नहीं। हजे तक कोई गिरदौरियां करने साढ़े बाणा च आया नहीं। जो कोई गिरदौरी करू पता लगू 4 दिनों कणकां वड्डियां जाणगीआं। वेले बाणा च सानू कौन की देऊगा जी? ये भगवंत मान जो जुमलियां दी सरकार कहंदे वाकई सच कहाउंदा, दूजिआं नूं चंगा कहाउण ते लग्गिआ होइआ। अच्छा साडे नाल कुछ होर भी किसान हैगे आ ਬਾਈ ਜੀ। ਨਾਮ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੂੰਦੜ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 27 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਆਪਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 22 ਕਿੱਲੇ ਆਪਦੇ ਆ, ਕੋਈ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 100% ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਈ ਇਦੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਡੇਕ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੱਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। किसान मेरे ख्याल से इदों ज़्यादा दुखदायक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान है। सरकार नूं चाहिए भी इस मुआवजे की रकम नूं कुछ होर वधाया जाए, क्योंकि जिहड़ा बई किले 2-2 किले वाले उन्हां दा मेरे हिसाब नाल बहुत बुरा हाल हो जाऊगा। क्योंकि जिहड़े बंदे हुण तुसीं ये देखो जिहड़े हुण डिपेंडी खेती दे ने, वो मैनूं तां नहीं लगदा कोई होर उन्हां कोल चारा होऊगा। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਆ देखी जाए जमा ही धरती के नाल बिछी है तो थले हाले तक भी जी पूरा पानी की सिल है जी खड़ी हुई है नमी है तो नाल ही जो दाना है कणक का जो थले लाग गया ये थले लाग गया तो कणक का ये बिल्कुल पिचक जाना है जिहदे झाड़ पर भी असर पैना इहदा ते नाल ही जिहड़ी इहदी क्वालिटी है वह भी डाउन हो जानी है क्योंकि बदरंग दाना जो कणक बेचनी है तो उहदे लई भी जिहड़ियां एजेंसियां वह बड़ियां समस्यावां जिहड़ियां आउंदियां ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੂੜੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਹਜੇ 2 ਮਣ ਹੋ ਜੇ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸੁੱਕ ਜੂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਢਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ एक जे आप देखा जाए जी कणक हूँ जिमें आप माड़ा जहा मैं कहूँगा कि दिखावे लंबी तौर पर जो लोट बिछी पई भी है यह कणक जे इन कणक बढ़ाई दे भी समस्या तुहाडे लई जिहड़ी आऊगी क्योंकि बढ़ाई देता उहदा रेट जिहड़ा कंबाइन दा की चलदा नॉर्मल रेट आम 2000 रुपया किले का लैंदे घट्टो घट 3-4000 रुपया लैणगे जी इस तों बाद क्योंकि उन्हां दे सारे नहीं क्यों दुगना टाइम लगना इहनूं वड्ढण ते हुण ते पूरी साडे हत्थ नहीं आउणी साडे हत्थों तां गई होई है यह कणक असीं तां कहणे आ वी साडे कोल बचे ही कख नहीं साडे कोले तूड़ी ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਚੋਂ ਰੂੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਚੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੇ ਹਾਂ ਲਮਸਰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾੜ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ तो उन्होंने गुरद्वारिया टाइम क्यों उलझना चाहिए उन्होंने उन्ना बनता मुआवजा देन बिल्कुल ये भी किसान ने बड़ा इन्हें वधिया लॉजिक दिता तर्क दिता कि जो सरकार जो कणक के नाड़ जो अग लगती है तो सरकार जो अफसर खेतों के बहुत घट आते वो सैटेलाइट राही देख लेंगे है कि फलाने फलाने खेत में कणक में अग लगी हुई है तो किसान जो नौजवान किसान ने दसिया कि जो हुण भी सरकार है जी डिग्गी बिछी पई है कणक तुसीं देख पाओगे दूर दूर तक जिथों तक जाती है निगाह शायद हैगी एक झाड़ भी पई जी तो घटना ही घटना है तो यदि कणक पछेती भी हो जानी है पछड़ जानी है हाँ जी पछड़ जूगी जी वड्डी नहीं जानी मौके टाइम सिर नहीं वड्डी जानी पछेती हो जू पहले आपां नू की लगदा सीगा जिहड़ा अज तो बारिशां तो पहला भी किन्ना झाड़ आउण दी उम्मीद सी 65-70 मन दे रेट सी हाँ बहुत वधिया कणक सी इतकी मौसम भी अजकर काफ़ी वधिया रहा सीगा उहदे नाल पहला मौसम बहुत वधिया सी मुड़ के हुण कई दिन काफ़ी दिन तो बहुत खराब आ अच्छा एक गरमेल जी हर साल ही ना समस्या आउंदी है दूजे तीजे साल बाद किसान ते विपता पै जांदी है सरकार ने एक होर गल आखी है कि असीं बीमा जिहड़ी योजना लैके आवांगे बीमा फसल योजना की लगदा तुहानूं सानूं तां देखो जी उह चों कख नहीं लगदा पहला किसानां दीयां जेबां चों कड्ढण दी तैयारी करदे आ इह जदों पाउणगे देखी जो बीमा योजना एक इहो जी आ पहला साथों मंगणगे साडे कोले देण नूं कख नहीं कराऊ काहदे नाल बीमा फसल दा इन्हां नूं बीमा फ्री करना चाहीदा जे फार्म साडे कट्टे होण बीमा फ्री होवे जिहदी फसल जिन्नी आउंदी है उस हिसाब नाल सानू बीमा दिता जाए जो फसल मरती है पिछले खर्चों ही दिता जाए पर नहीं कुछ देना नहीं कलियां गल्लां जी ते हुण आपां जे सरकार तो की डिमांड की हैगी है जिहड़ी लोट आपां देख रहे हैं जमीनी रूप दे विच कि जिहड़ा सारियां फसलां तबाह हो गईयां लगभग ते हुण की मंग की करदे आपां किसानां दी की मंग है पिछे नरमा मर गया सीगा जी हुण कणक मर गई साडी तां मंग है भी घट्टो घट 55,000 रुपया किसान नूं किले दा मिलना चाहिए तूड़ी दा सरकार प्रबंध करके देवे साडे पशुआं दा भी बुरा हाल है साडा भी बुरा हाल हरा चारा भी नहीं रहा साडा तां सरकार इहदे लई कोई सोचे प्रबंध करे सानूं सबसिडियां देवे बैंकां चों इह कहिंदे आ बैंकां दा ब्याज नहीं भरदे भी भराउंदे पिछे किश्तां पिछे कर देंगे भरांगे कित्थों जदों ऐतकी नहीं भरी दा गांह नूं साडे कोल ताहां तों डिग पैणगे एक उन्होंने जिमें भगवंत मान ने कल कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है पंजाब सरकार की उन्होंने 15,000 रुपया जो 100% मुआवजे का ऐलान किया है संतुष्ट हो नहीं जी नहीं साढ़े 15,000 ना हो कि असी 55,000 मंग रहे हैं एक पासे 15,000 कह रहे हैं 55 ते 15 का पाड़ा कड्डा असी कह रहे हैं भी साढ़े असी 60,000 70 ठेके ते लैने उहदा अद्ध जो 35 पैंदा है फिर सानू 35 देण दा ते 15,000 साडा 20 खर्चा हुंदा उह देण सानू 55 बनदा दे देण ये एक कुछ किसान है जिहड़ा उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की है कि पंजाब सरकार ने जिहड़ा 15,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान किया वो कहते 35,000 रुपया तो 30,000 रुपया तो सानूं एक सीजन का जिहड़ा 6 महीने का ठेका पै जाता है तो वो ठेके की किस्त भी जिहड़ी देनी हुंदी है क्योंकि 10-15,000 रुपया प्रति एकड़ जिहड़ा वो एक फसल पर खर्चा हो जाता है तो किसान है कहते वो कहते असीं संतुष्ट नहीं कि जिहड़ा मुआवजा 15,000 ये सरकार नूं सोचना चाहिए सानूं कोई मुआवजा देना चाहिए जी ठीक है आए बार साडे ते मार पैंदी है जी सानू कुछ नहीं मिलता जी इस कारण एक जी आप गल करते हैं कि एक होर थोड़ा जिहा खेती नाल ही जुड़ी हुई है बई जी कि जिमें आप कह दें कि खेती विभिन्नता जी है खेती विभिन्नता वाले पासे सरकार कह रही है कि नरमे वाले पासे जिहड़ा जोर दिता जाए है ना भी नरमे की फसल बीजी जाए खेत जो झोने की फसल है तो पानी ज़्यादा लैंदा तो नरमे ये लगता है कि पिछली वारी साड़ी काफ़ी सारिया जिहड़ियां फसलां सी चिट्टी मक्खी नाल बर्बाद हो गईयां सी अजकल लगता भी तुसीं ये जी पहला तो असीं नरमे ते बहुत ही बेअंत स्परेहां कर चुके हैं पर साडे पल्ले कुछ नहीं पिया। उदों बाद हुण साडा कणक देख के इन्ना चित भड़ा हुंदा कि कणक मशीन तो भी थल्लों खिच्ची नहीं जानी है। इन्ना निगाह मार लो भी कित्थों असीं करांगे कित्थों इन्ने इन्ने बैंकां दे करजाइयां कित्थों कर्जा भरांगे कित्थों ओह करांगे जां सानूं कोई स्परे ते रे ते सबसिडी होवे सानूं कोई उहदा फायदा होवे। असीं इक खेती मुड़ तो पहलां तो जो कोई पिओ दादे खेती करदे आ रहे खेती छड्ड नहीं सकदे ते पर सानूं इहदे चों पल्ले साडे कुछ नहीं पैंदा। इसे चीज़ नूं देख के जिहड़े साडे अज बच्चे नूं बाहर नूं तुरे जांदे आ बाहरलियां देसां 'च तुरे जांदे आ एक पासों तां असीं उहनां नूं रोकदे आ पर फिर असीं कहने भी अपने पल्ले भी 6 महीने बाद की पैंदा दसो कोई इहदे 'च कोई एक साथों छड्डिया नहीं जांदा है होर सानूं इहदी कुछ बचदा बुचदा कुछ बनदा मुंदा कुछ नहीं। ਜਦੋਂ जी ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ फसल ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨਰਮਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਰੇਹ DAP ਉਹ 'ਚ 4-4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ 4-4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈਨੇ ਆ ਸਪਰੇਹਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਹ ਲੈਨੇ ਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 373 ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲਓ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਰੇਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆੜਤਕੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਬੀਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜੋ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਓ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਅਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ फिर असीं भी कह देने भी यार फिर बच्चों की गल बच्चों की सोच ठीक है साढ़े नूं साढ़े पल्ले की पै जांदा 6 महीने टक्करां मार के असीं की करदे हां। जे एक बंदा हर एक बंदा एक भांडा बनाउण वाली छोटी है सब तो छोटा एक मोची है सब तो छोटा दुकानदार वो भी आपदी मर्जी नाल पैसे लऊगा आखू जे इन्ने पैसे देवेंगा तां मैं जोड़ा करूंगा नहीं तूं आपदा जोड़ा परे कर ला चाह वाला ओहदा भी आप रेट बनाया दसो जिमींदार दा की रेट बनाया जी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਤੜ ਕੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗਰਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ 200-200 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ 20 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 20-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ 150-150 ਸਵਾ ਉਦੋਂ 600 ਹਿੱਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਰੇਹ ਬੀਜੀ ਆ ਨਾ ਰੇਹ ਨਹੀਂ सरों बीजी है वो 900 रुपये किलो मिली जी। जे 900 रुपये एक किलो का रेट है तो फिर कुंटल का तो 90,000 का रेट हो गया दसो 90,000 में साथों खरीदी जाती है बी की रेट पर मिलता है तो खरीद साड़ी की रेट पर होंगी है ये चीज़ है असीं छड्ड नहीं सकते होर सानूं कोई धंधा नहीं पर अज सारे पासों असीं बाही वाले पासों कोई मुनाफे च नहीं हाँ बस एक आपदी करे। हाँ जी दूसरी बेनती ये है भी असीं 1975 च 535 नरमा बेचा सी ते ट्रैक्टर उस तो बाद 1977 च लिया सी उदों 1 रुपया 44 पैसे डीजल का रेट हुंदा सी। अज तुसीं हुण नरमे का रेट देख लो भी किन्ना किन्ने हिस्से वधिया ते डीजल का रेट किन्ने हिस्से वधिया इन्नी गल देख लो जी। हाँ जी बिल्कुल सही है किसान इन्होंने जिहड़े बजुर्गों ने दस्सिआ है कि खेती जिहड़े को उन्हों दा पितरी जिहड़ा धंधा है खेती पिओ दादे करते आए है तो नौकरियां दी जिहड़ी पहले ही नौजवान है नौकरियां ना मिलने कारण विदेशों दे विच जा रहे है तो खेती जिहड़ा लाहेवंद धंधा नहीं रहा तो सरकार नूं उन्होंने अपील की है कि इस नूं कोई थोड़ा मुनाफे वाला बनाउण वास्ते तां कि किसान जिहड़ी आप दा गुजारा कर सकण उहदे लई ध्यान देण दी लोड़ है। तो लास्ट गरमेल जी कि जे लगता है तुहानूं कि जिहड़े मैं आपां पहला गल कीती है मुआवजा ना मिलिया जां तां की फिर तुहाडा रहेगा जे ना मुआवजा देखो जी मुआवजा सानूं लगता नहीं क्योंकि ऐलान करके ये पहले ही लोगों को ठार दिंदा, लोगों चो उत्साह नहीं रहिंदा। जे ना मिलिया असीं संघर्षां दे राह पवांगे, हर हालत मुआजवा लैके हटांगे। इत्थे की है, इत्थे लुट दे व्यापारी ज़्यादा लदे होए आ। इत्थे कंपनियां आउंदियां, बी मड़ के तुर जांदियां, कोई किसी नूं पुछदा नहीं किहो जिहे चंगे माड़े बी। बीआं कारण बीमारियां आउंदियां, माड़ियां रेहां सपरेहां आउंदियां। उन्हां ते कंट्रोल कीता जावे, खेती नूं उन्नत कीता जावे तां जो लोग जिहड़े बाहर जांदे आ ओह आपदा किता इत्थे कर सकण, बच जाण। काफ़ी सारे जिहड़े तुसीं गल्लबात किसानां दी सुणी है कि उन्हां ने अपना दर्द आ जिहड़ा कैमरे दे सामणे बयान कीता है कि किसानां दी जिहड़ी जून आ बाकी बहुत माड़ी है। ते मुख मंत्री भगवंत मान जिहड़े कि खुद दावा करदे कि आम लोकां दे विचों गए आ, पिंडां दे विचों गए आ, ते उन्हां नूं इस मौके किसानां दी जिहड़ी बांह फड़नी चाहीदी है। तो हुण आउण वाले समय दे विच देखना होवेगा कि सरकार ने जो चोणां तों पहलां वादे कीते सी उन्हां नूं हकीकी रूप दे विच हुण सरकार च हुंदे आ कदों पूरे करदे आ। बठिंडा तो D5 चैनल लई सुखजिंदर मान दी रिपोर्ट। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहांगे। गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुक्मरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। दस्सांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर। विदेशां 'च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल। कनेडा दी हर सियासी खबर लैके आवांगे तुहाडे वल। उभरांगे पंजाब दी आवाज़ बन के। होणगे हर पहलू ते रोज़ चर्चे। खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंद आवाज। खेड, सिक्ख्या, सेहत, खेती दी बात पावांगे। हर पिंड हर शहर जावांगे। मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात। संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल। की ने साडे कानून, फर्ज ते अधिकार। की करदी है साडी सरकार? की है तुहाडी मुश्किल दा हल? D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोग। सत श्री अकाल जी, मैं हां कुलराज रंधावा ते तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जेड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।